वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा ये हमारे युग के निर्माण का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये सरकार ईमानदारी का सम्मान करने वाली सरकार है, भारत कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने विश्व में भारत की छवि का भी जिक्र किया, कहा भारत दुनिया के समाधान का माध्यम बन रहा है, सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। राष्ट्रपति ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर बयान दिया, कहा हमने LAC से लेकर LOC तक कड़ा जवाब दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये सरकार सबसे तेज फैसले लेने वाली सरकार है, सरकार ने महिलाओं की बाधाओं को भी दूर किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, देश में आज काम करने वाली सरकार है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज विकसित देश भी भारत से ले रहे प्रेरणा, पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की। बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया, कहा बजट नई किरण लेकर आ रहा है। बजट से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संदेश, वित्त मंत्री अपेक्षाओं को पूरा करेंगी। इन्वेस्टर्स समिट के तहत डेयरी सेक्टर में 27,000 करोड़ का निवेश होगा। 750 MOU पर हुए हैं हस्ताक्षर। नीदरलैंड की कंपनी उत्तर प्रदेश में लगाएगी प्लांट। रेप केस के दोषी आसाराम को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। 2013 में केस दर्ज किया गया था। कुशीनगर पहुंची शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत। अयोध्या में 2 फरवरी को शिलाओं की विधिवत पूजा अर्चना होगी, बनेंगी भव्य राम सीता की मूर्तियां। गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान आने के बाद उत्तराखंड की टीम को सम्मानित किया गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सूचना विभाग के साथ टीम को दिया अवार्ड। 13 फरवरी को महादेव की नगरी काशी का दौरा करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काशी विश्वनाथ और काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद यूपी में जाति आधारित राजनीति तेज हुई। सपा दफ्तर के सामने लगाया गया पोस्टर, लिखा गर्व से कहो हम शूद्र हैं। मंत्री नंद गोपाल ने रामचरितमानस के अपमान पर अखिलेश यादव की चुप्पी को बताया मौन समर्थन, कहा अखिलेश यादव पर हावी अविनाशकाली विपरीत बुद्धि की महादशा। समाजवादी पार्टी के विधायक आरके वर्मा का विवादित ट्वीट, आरके वर्मा ने रामचरितमानस पर उठाए सवाल। सीएम योगी के बयान पर शिवपाल यादव का जवाब, कहा सनातन धर्म को राष्ट्रीय कहना संविधान का उल्लंघन। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी बोले शिवपाल यादव, कहा ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का नहीं। अपने बयान पर अभी भी अड़े हैं स्वामी, कहा लड़ता रहूंगा दलितों महिलाओं के हक की लड़ाई। राजभर पर भी पलटवार किया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कानपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का वार, कहा साधु संत का चोला ओढ़े बैठे हैं अपराधी। गाजीपुर में ओपी राजभर का SP पर हमला, कहा अखिलेश यादव दगे कारतूस इकट्ठा करने वाले राजनेता। आगरा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार। जयपुर के व्यापारी से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए आगरा में थे बदमाश। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा से जुड़े परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू। सभी जिलों में 1 हफ्ते में पहुंचेगा प्रवेश पत्र। ऑनलाइन भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे परीक्षार्थी। मऊ में मुख्तार के करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लगभग 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 49 कर्मचारी बर्खास्त। नियुक्ति घोटाले में मिली थी नौकरियां। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में अग्नि तांडव। बैटरी रिक्शा चार्ज पॉइंट में बैटरी फटने से आग लग गई। एक युवक की मौत। बिल्डिंग में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। नोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने CGI को पत्र लिखा रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी देने की मांग।
कानपुर के किदवई नगर में गिरी झरझर दीवार, मलबे में दबने से दो लोगों की मौत, परिवार में चीख पुकार मची। फतेहपुर में 8 साल के बच्चे से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को सजाए मौत, 2019 में फारूक ने वारदात को अंजाम दिया था। बिजनौर में असगर को थैले में बंद करके ग्रामीण पहुंचे थाने, असगर देखकर पुलिस के होश उड़े। सहारनपुर में मदरसे की छात्र की बेरहमी से हत्या, खेत पर पड़ा मिला शव। काराबंकी में दो लड़कों को दी गई तालिबानी सजा, पेड़ में बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। भदोही में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मारी, छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत। हापुड़ में एक प्रेमी ने लेटर लिखकर दूल्हे को धमकाया, बोला बारात लेकर मत आना, करिश्मा सिर्फ मेरी है, बारात लाया तो शमशान बना दूंगा। बदायूं में डॉक्टर का मानवीय चेहरा आया सामने, इलाज के लिए आई महिला को ताले में बंद किया। बागपत में किसान दुर्घटना बीमा दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी, फरार लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ में युवक की बेरहमी से पिटाई, सड़क पर गिराकर युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। औरैया में सीएचसी में रिश्वतखोरी की खबर, मेडिकल के नाम पर संविदा वार्ड बॉय पर रिश्वत लेने के आरोप, भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंचे अधिकारी। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या। सीतापुर में सेवता विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी का वीडियो वायरल, पालतू कुत्ते को राम राम बोलने की ट्रेनिंग देते दिख रहे विधायक। अमरोहा में खाद्य विभाग की टीम ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा, नकली घी बरामद। कानपुर देहात में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जिला अस्पताल जाने के लिए गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, महिला की मौत। आगरा में स्विट्जरलैंड की महिला पर्यटक से धोखाधड़ी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5,000 की चीजों के वसूले 37,500। कानपुर में दम तोड़ रहे चमड़ा उद्योग, व्यापारी बजट से जता रहे संजीवनी की उम्मीद। लखनऊ में एसिड अटैक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मां बेटे पर फेंका था तेजाब। जौनपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, युवक की हालत गंभीर। महिला विश्व कप जीतने के बाद जश्न में अर्चना देवी का परिवार, गांव में जश्न का माहौल। चंदौली में महिला हेडमास्टर के साथ छेड़छाड़, सहायक अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। मुरादाबाद में बच्चे के साथ सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने टक्कर मारी, हादसे में बच्चे की मौत, महिला की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में युवती के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मथुरा के सहार गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, दोनों पक्षों में पथराव हुआ, कई लोग घायल। बाराबंकी में लुब्रिकेंट ऑयल व्यापारी के ड्राइवर ने लूट की साजिश रची, बोनस नहीं मिलने पर ड्राइवर नाराज था। एटा में राजस्व विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की, 72 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया, 1 करोड़ है जमीन की कीमत। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटकती मिली युवक की लाश, पुलिस कर रही है जांच। कासगंज में तालाब पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर बीकेयू का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। सिद्धार्थनगर महोत्सव में मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल ने धूम मचाई, लोगों को खूब हंसाया। कुशीनगर में कोहरे और ठंड से परेशान हुए लोग, घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हुई। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ रहा, बारिश की वजह से पारा गिरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में 1.5 फीट तक बर्फ गिरी, कई रास्ते बंद हुए। कुलगाम के कई इलाकों में भी देखी गई ताजा बर्फबारी, नेशनल हाईवे बंद, गांधरबल में बर्फ हटाने का कार्य जारी। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, ग्वालियर चंबल समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, हवा की दिशा बदलने से फिर ठंड बढ़ने के आसार। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी, बर्फबारी से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। तमाम मुश्किलों के बावजूद बर्फबारी का मजा ले रहे लोग, चमोली में बर्फ से खेलते हुए नजर आए स्थानीय लोग। गंगोत्री यमुनोत्री में जमकर हो रहा हिमपात, बर्फबारी से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। उत्तरकाशी के ग्राम राणा में एक मकान में भीषण आग लगी, घर में रखा सारा सामान जलकर आग हुआ। उत्तरकाशी के दूरस्थ गांव ओसला में धूम्रपान पर प्रतिबंध, ग्राम पंचायत ने फैसला लिया।
उधम सिंह नगर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन भंडारण समेत कई गड़बड़ियां, 18 स्टोन क्रशर को सीज किया गया। ऋषिकेश में उत्तराखंड दौरे पर विराट कोहली, टेस्ट सीरीज से पहले संत का आशीर्वाद लिया, पत्नी संग स्वामी दयानंद गिरी आश्रम पहुंचे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर सख्त, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला, नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, अब तक 63 की मौत, तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने लिए हमले की जिम्मेदारी। मस्जिद में बम विस्फोट में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार, 150 से ज्यादा घायल, लगातार बढ़ रहा मरने वालों का आंकड़ा। खैलू का हाल जाने अस्पताल पहुंचे पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान सेना प्रमुख ने खैलू से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पाकिस्तान में अटैक पर दुख जताया, साथ ही कहा दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई हो लेकिन आतंक के खिलाफ दोहरा मापदंड ना हो। जेलेंस्की ने रूस को ओलंपिक से बैन करने की मांग की, कहा मैक्रोन को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पत्र लिखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन, कहा हर जगह हारना चाहिए रूस का आतंक। रूस ने खरकीफ पर अटैक किया, हालिया अटैक में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल का इलाज जारी। खेरसॉन में रूसी हमले से भारी नुकसान, हमले के बाद का वीडियो जारी, कई इमारतें तबाह हुई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा, जेलेंस्की ने पीएम फेडरिकसेन का समर्थन के लिए आभार जताया। क्रीमिया को लेकर क्रोएशिया के राष्ट्रपति का बयान, कहा क्रीमिया फिर कभी नहीं होगा यूक्रेन का हिस्सा। ईएसए की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टोफोरिटी ने कहा आईएसआईएस पर रूस का सहयोग जरूरी। फिनलैंड नाटो में हो सकता है जल्द शामिल, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संकेत दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल और फिलिस्तीनियों से तनाव कम करने का आग्रह किया, आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे ब्लिंकन। WHO ने कोविड से सतर्क रहने की चेतावनी दी, कहा कोविड का सावधानी से प्रबंधन करने की जरूरत। दक्षिण कोरिया में चीनी यात्रियों पर लगे प्रतिबंध को लेकर चीन का बयान, प्रतिबंधों पर जताया खेद। दक्षिण कोरिया में इंडोर पब्लिक प्लेस में नहीं लगाना पड़ेगा मास्क, सरकार ने जारी किया आदेश। अजरबैजान ने तेहरान में खाली किया दूतावास, अजरबैजान के दूतावास में अटैक के बाद फैसला। ईरान में मारे गए अजरबैजान के दूतावास कर्मचारी का किया गया अंतिम संस्कार, घटना में एक कर्मचारी की मौत, दुख है। ब्रसेल्स में चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया। ब्रसेल्स में युवक ने चाकू से अटैक किया, हादसे में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। स्पेन के मलोर्का द्वीप पर भारी बर्फबारी, बर्फ के कारण 37 किलोमीटर तक सड़कें बंद हुई, स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पेरू में राजनीतिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन तेज, पुलिस के साथ झड़प में एक और प्रदर्शनकारी की मौत। मेडागास्कर में साइक्लोन शिनिसु से तबाही, कई इलाकों में आई बाढ़, निजी संपत्ति को नुकसान। न्यूयॉर्क के लाइडो बीच पर पाई गई व्हेल, मौत की वजह जानने के लिए व्हेल की कराई जाएगी ऑटोप्सी। रूस में काटायर में फंसे भालू का रेस्क्यू टीम ने भालू को बेहोश कर रेस्क्यू किया। जापान में एवलांच में मारे गए दोनों लोगों के शव बरामद, हादसे में अमेरिकी स्कीयर काइल स्माइन की मौत। न्यूजीलैंड में बाढ़ का खतरा बरकरार, प्रशासन ने कहा अभी और खराब हो सकता है मौसम, इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।